और एक क्लास अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशन में हमने डिनाइल ऑफ सर्विस पे डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। हमने अभी तक ये देखा है कि आपका सिंगल सोर्स डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, उसको ज़्यादा पावरफुल करने के लिए मल्टी सोर्स कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। और हमने डिफरेंट अटैक टाइप्स डिस्कस की थी। आज हमने कुछ और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स पर बात करनी है और फिर फाइनली हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे डिफरेंट और डिफेंस टेक्निक्स डिस्कस करके। तो पहला सवाल तो ये है कि नेटवर्क में आप इंटरनेट पे आप कौन कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ जी, व्हाट्सएप सर, ठीक है। तो एक सवाल आए, जवाब आए व्हाट्सएप। व्हाट्सएप बेसिकली आपका, अगर ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो आपकी मैसेजिंग एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल दें? हाँ जी, वेब ब्राउजिंग है, ठीक है। फाइल शेयरिंग है आपकी, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है, यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका कंप्यूटर है, उस पे अगर आपकी सिस्टम क्लॉक थोड़ी सी डिविएट कर जाए एक्चुअल टाइम से, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली एक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल रन करता है। आपकी मशीन जो है एक सर्वर के साथ कनेक्ट करती है और वो सर्वर उस मशीन को बताते हैं कि इस वक्त टाइम क्या है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया है आपका, आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग है, ठीक है, गेमिंग है। तो सवाल ये है कि इनमें से किसी को इस्तेमाल किया जा सकता है टू कंडक्ट डॉस अटैक। सही है, तो इसका जवाब है कि यस, एज लॉन्ग एज आपकी एप्लीकेशन ट्रैफिक लोड जनरेट करती है, ऐसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर अटैक पर्पसेस। यानी किसी दूसरे सर्वर को अटैक किया जा सकता है, किसी और मशीन को अटैक किया जा सकता है, या फिर जिस मशीन पे एप्लीकेशन रन की कर रही है उसे भी अटैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने इसी तरह के कुछ और अटैक्स देखते हैं जो कि एप्लीकेशन को बेसिकली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है टू कंडक्ट एन अटैक। और पहला अटैक है HTTP बेस्ड, कि आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल हर कोई इस्तेमाल करता है। तो HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल्स, सॉरी HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक्स जो हैं वो कैसे कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो उनमें से एक अटैक है HTTP फ्लड का। HTTP फ्लड में क्या होता है कि अटैकर जो है वो बेसिकली वेब सर्वर को एक लार्ज नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और यूजुअली ये HTTP रिक्वेस्ट जो है किसी एक मशीन से नहीं आती, डिफरेंट बॉट्स होंगे, डिफरेंट जॉम्बीज होंगे उस अटैकर के कंट्रोल में, वो उन्हें इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन से HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। और रिक्वेस्ट इस तरह से वो डिज़ाइन करेगा कि सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूम हो, वो यूज हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि अगर आप अटैक कर रहे हैं और आप ऐसी HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसकी रिस्पॉन्स में आपको कोई 10-15 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट रिटर्न होनी है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट जो है वो कुछ बाइट्स ही होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि चलो जी एक गीगाबिट की एक मूवी पड़ी हुई है, तो आप सर्वर से वो मूवी अगर रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो दैट मींस कि एक गीगाबिट जो है वो सर्वर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। यानी आपका वेब पेज होता है उसमें टेक्स्ट भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे फॉर दिस अटैक। अब सवाल ये है कि हमने बात की थी कि डॉस अटैक में आपके डिफरेंट रिसोर्सेज को टारगेट किया जा सकता है। एक रिसोर्स होती है बैंडविड्थ, एक रिसोर्स होती है आपके जो सिस्टम की इंटरनल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल रैम, डिस्क यूजेज, CPU साइकिल्स, ठीक है। तो ये सारी आपके रिसोर्सेज टारगेट हो सकती हैं। और तीसरा था कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप ऑक्यूपाई करवा सकते हैं, कि एक एप्लीकेशन है जिसने मल्टीपल लोगों को सर्व करना है, तो बैंडविड्थ और सिस्टम के अलावा आप उस एप्लीकेशन को भी
उस एप्लीकेशन की रिसोर्सेज को भी टारगेट कर सकते हैं ताकि वो किसी और के लिए अवेलेबल ना रहे। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्लास इस अटैक में, HTTP फ्लड अटैक में, कौन सी वाली रिसोर्स को टारगेट किया जा रहा है? बैंडविड्थ, सिस्टम रिसोर्सेज के एप्लीकेशन रिसोर्सेज? एनी आइडिया? बैंडविड्थ। हाँ जी, बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ। देखिए, अगर हजारों मशीन से आप अटैक के दौरान HTTP सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सारे के सारे ह्यूज ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो सर्वर है उसकी बैंडविड्थ जो है वो तो यूज अप हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। बैंडविड्थ के अलावा कोई रिसोर्स टारगेट हो रही है? ठीक है, तो बेसिकली याद रखें कि जब आप वेब सर्वर को कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सर्वर उस ऑब्जेक्ट को पहले रीड करता है हार्ड डिस्क से, उस फाइल को, फिर उसे हार्ड डिस्क से रीड करके कॉपी करता है रैम में, फिर रैम में उसे रीड करके कन्वर्ट करते हैं इनटू अ पैकेट स्ट्रीम, और फिर इन पैकेट्स को वो ट्रांसमिट कर देता है। तो इस चीज़ का मतलब है कि आपकी हार्ड डिस्क की जो बेसिकली आपकी सिस्टम बस होती है जो हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी कर रही होती है रैम में, वो ऑक्यूपाई होगी। आपकी हार्ड डिस्क जो है वो अगर एक रिक्वेस्ट को सर्व कर रही है तो जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती वो स्लो डाउन, वो कोई और रिक्वेस्ट नहीं सर्व कर सकती, तो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो यूज़ अप हो रही है। फिर आपकी CPU प्रोसेसिंग साइकिल्स हैं वो यूज़ अप हो रहे हैं, फिर जिस रैम के अंदर ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जा रहा है वो यूज़ अप हो रहा है। तो बेसिकली आपका बैंडविड्थ भी अटैक हो रही है, टारगेट हो रही है, और सिस्टम की जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, मेमोरी, बैंडविड्थ, प्रोसेसिंग, ठीक है, वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली टारगेट हो रहा है। तो इस अटैक में आपको नजर आ रहा है कि सिस्टम जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है स्लो डाउन होने का, और इस अटैक का एक वेरियंट है जिसे रिकर्सिव HTTP फ्लड या स्पाइडरिंग कहते हैं। स्पाइडरिंग में क्या होता है कि आपका जो बॉट है, ठीक है, वो एक पेज को, सॉरी, एक वेब सर्वर को जब टारगेट करता है तो उसे जो पेज रिक्वेस्ट करेगा अटैक के तौर पे, उस पेज पे जितने लिंक्स हैं उसी सर्वर के, यानी उसी वेबसाइट के जो डिफरेंट लिंक्स हैं, उनको फिर रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देगा। यानी एक पेज में जितने लिंक्स थे उन्हें रिक्वेस्ट भेजेगा, उनमें जित लिंक्स थे उन्हें रिक्वेस्ट भेजेगा। तो बेसिकली सिर्फ एक पेज तक रिक्वेस्ट लिमिटेड नहीं रही, उस वेब सर्वर पे जितने भी पेजेस थे बारी बारी उन सारों को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो ये बेसिकली आपका एक फ्लड जनरेट होगा, और अगर एक लार्ज नंबर ऑफ बॉट्स आपके कंट्रोल में है तो उन बॉट्स के थ्रू एक काफी मैसिव अमाउंट ऑफ HTTP फ्लड जो है जनरेट किया जा सकता है। पर यस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये ज़रूर होगी कि आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे HTTP की, तो वो आप उसकी रिस्पांस जो है वो आपकी मशीन तक आएगी, तो दैट मींस कि आपकी मशीन जो है वो उस पे भी फ्लड एक जनरेट हो रहा होगा। तो यानी आप अगर अटैक के अलावा कुछ करना चाहते थे तो चांसेस आर के अटैक के अलावा आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी अपनी बैंडविड्थ भी यूज़ अप हो जाएगी। और याद रखें कि HTTP फ्लड में जो है, इस अटैक में स्पूफिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि देखिए, मैं अगर किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ HTTP की और उसमें सोर्स एड्रेस अपनी मशीन की बजाय किसी विक्टिम की मशीन का डाल देता हूँ तो क्या होगा? सबसे पहले तो TCP कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो जब TCP कनेक्शन के लिए सर्वर उस IP विक्टिम के IP एड्रेस पे सिन एक्ट भेजेगा तो वो विक्टिम जो है वो तो कहेगा कि मैंने तो कोई रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, तो वो उसे इग्नोर कर देगा। तो दैट मींस कि विक्टिम के ऊपर एज सच HTTP के पेजेस नहीं आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो HTTP के पेजेस वही उसी को आप भेज सकते हैं जो कि एक्चुअल रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि HTTP TCP इस्तेमाल करती है, और आपने जो भी पैकेट भेजना होता है आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसकी रिस्पांस आती है, और रिस्पांस के जितने भी पैकेट्स होते हैं वो बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन है कि सर्वर जो है वो डेटा पैकेट भेज रहा है, क्लाइंट जो है उन पैकेट्स को एक्नॉलेज कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज रहा है, और अगर एक्नॉलेजमेंट पैकेट क्लाइंट नहीं भेजेगा तो सर्वर जो है डेटा पैकेट भी भेजने छोड़ देगा। तो इसलिए HTTP फ्लड में जो अटैकर होता है वो खुद भी, एज इन के अटैकर के कंप्यूटर पर भी ट्रैफिक आएगी,
ये नहीं अटैकर कर सकता कि किसी और विक्टिम का आईपी एड्रेस देके एचटीटीपी की ट्रैफिक उसकी तरफ भिजवा दे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक अटैक हो गया। अब एचटीटीपी को ही इस्तेमाल करते हुए एक दूसरा अटैक भी किया जा सकता है जिसका नाम है स्लो लॉरेस, और ये एक जानवर होता है, बहुत ही सुस्त जानवर है जो एक ही जगह पे अपनी जिंदगी गुजार देता है, ठीक है। तो स्लो लॉरेस अटैक में क्या होता है कि ये बेसिकली अभी तक जो हम डिनाइल ऑफ सर्विस कर रहे थे, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए डिनाइल ऑफ सर्विस के, उनमें क्या होता था कि मैसिव अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक जनरेट होते हैं, ठीक है। स्लो लॉरेस उसका ऑपोजिट है। स्लो लॉरेस में बहुत ट्रैफिक ना होने के बराबर जनरेट की जाती है। स्लो लॉरेस में बेसिकली एक्सप्लॉइट क्या कॉन्सेप्ट किया जाता है कि देखें, आपका जो सर्वर है, जब भी कोई क्लाइंट आपका वेब ब्राउजर है फॉर एग्जाम्पल, वो जब किसी सर्वर से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो सर्वर जो है एक थ्रेड क्रिएट करता है, और वो थ्रेड उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा, मैं एक क्विक वन लाइनर दे दूं कि थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिकली आपका कंप्यूटर जो है वो एक वक्त पे एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है क्योंकि प्रोसेसर एक होता है। ऑब्वियसली अगर ज्यादा प्रोसेसर है तो जितने प्रोसेसर होंगे साइमल्टेनियसली उतने प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। पर होता क्या है कि थ्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अगर एक रिक्वेस्ट आई है फॉर एग्जांपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है सर्वर को, हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी करना पड़ता है रैम में, फिर उसे पैकेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसे ट्रांसमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो थ्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोग्राम बन जाएगा जो कि ये सारी चीजें कर रहा होगा। अब अगर कोई नई रिक्वेस्ट आती है तो एक नया प्रोग्राम का बेसिकली आप समझ लें कि इंस्टेंस रन करेगा जो कि उस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। और अब सीपीयू का काम क्या होता है कि इन मल्टीपल थ्रेड में से पहले एक थ्रेड को थोड़े टाइम के लिए रन करेगा, फिर उस थ्रेड को रोकेगा, पॉज करेगा, दूसरी थ्रेड की बारी आएगी, कुछ टाइम के लिए दूसरी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसे पॉज करेगा, फिर तीसरी थ्रेड। तो इस तरह मल्टीपल थ्रेड हैं, उन सारों को बारी बारी वो टाइम देता है। यानी आप ऐसे समझ लें कि मेरे ऑफिस में अगर कोई 10 स्टूडेंट आए हैं, उन 10 के 10 स्टूडेंट ने मेरे से अगर सवाल करना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक स्टूडेंट को बारी दूं और कहूं कि तुमने जो कुछ पूछना है पूछ लो, वो स्टूडेंट जब फारिग होगा तो वो बाहर निकल जाएगा ऑफिस से, फिर मैं अगले की बारी दूंगा। पर ये ऑब्वियसली बहुत इनएफिशिएंट है क्योंकि आखिरी जो स्टूडेंट था 10वां स्टूडेंट, उसे शायद कुछ घंटे इंतजार करना पड़ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले स्टूडेंट से एक सवाल का जवाब देता हूँ, फिर उसे कहता हूँ कि अब तुम इंतजार करो, अब दूसरे की बात है, फिर मैं दूसरे को थोड़ी देर तक जवाब देता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ अब तुम भी इंतजार करो, अब तीसरे की बात है। तो बेसिकली मल्टीपल थ्रेड इस्तेमाल करने से आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकता है। और एफिशिएंसी के अंदर क्या मतलब है, क्लास इस कोर्स में मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है। अलबत्त आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको कवर करा दिया जाएगा कि थ्रेड इस्तेमाल करने से आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कराया जाता तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की भी वीडियोस अपलोडेड हैं, उसमें जो थ्रेड्स वाला एक चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी, ठीक है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू द अटैक, तो स्लो लॉरेस अटैक में क्या होता है कि सर्वर जो है वो बेसिकली मल्टीपल थ्रेड जनरेट करता है हर रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली रूल है। अब अटैक में क्या गोल होता है कि बेसिकली आपके जितने भी अवेलेबल थ्रेड्स हैं वेब सर्वर के, यानी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, आपका सिस्टम जो है उसके एक सर्टन लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो थ्रेड्स नहीं बना सकता क्योंकि वो फिर आपका आपके प्रोसेसर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। तो अटैक के गोल ये होता है कि जितने भी थ्रेड्स हैं किसी तरह से उन सारी थ्रेड्स को जो है अटैकर ऑक्यूपाई कर ले अपनी रिक्वेस्ट से। और वो कैसे ऑक्यूपाई करता है कि बेसिकली अटैकर इस तरह की रिक्वेस्ट भेजता है कि वो रिक्वेस्ट कभी कंप्लीट ही ना हो सके। ये कैसे पॉसिबल है, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट पैकेट होता है उसमें रिक्वेस्ट हेडर होता है और रिक्वेस्ट बॉडी होती है। यानी एग्जांपल ले लें कि हमने जो है वेब सिक्योरिटी के लेसन में डिफरेंट सिक्योरिटी हेडर्स कवर किए थे,
तो वो सारे जो हैं वो HTTP रिक्वेस्ट हेडर में आ जाते हैं। उसके अलावा जो बॉडी होती है उसमें फिर क्या आता है, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में बेसिकली आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है सर्वर को, फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है साइन अप पेज जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका यूजर नेम है, आपका एक्चुअल नेम है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका पासवर्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपके जो पेलोड होते हैं, जो बॉडी होती है HTTP रिक्वेस्ट की, उसके अंदर कॉपी कर दिया जाता है। और प्रोटोकॉल रिक्वायर करता है कि आपका जो रिक्वेस्ट हेडर है और जो रिक्वेस्ट की बॉडी है उन दोनों के बीच में एक खाली लाइन होनी चाहिए, ब्लैंक न्यू लाइन। यानी C++ का अगर एग्जाम्पल है तो \n जो होता है वो न्यू लाइन होती है, या \l होता है वो न्यू लाइन होती है, तो वो आप बेसिकली कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे। सही है। अब होगा क्या कि इस तरीके से जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वेब सर्वर जो है वो सिर्फ उस वक्त रिस्पॉन्स भेजेगा जब तक उसे पूरी रिक्वेस्ट नहीं मिल जाती। अगर पूरी रिक्वेस्ट नहीं मिली तो सर्वर जो इंतजार करता है रिक्वेस्ट पूरा होने का, उसके बाद जवाब देना शुरू करता है। तो अटैक कैसे होगा फिर, कि अटैकर बेसिकली मल्टीपल कनेक्शन बनाएगा वेब सर्वर के साथ। यानी मल्टीपल कनेक्शन का मतलब है कि वेब सर्वर मल्टीपल थ्रेड्स बनाएगा उन सारी कनेक्शन को सर्व करने के लिए, ठीक है। फिर हर कनेक्शन पे जो अटैकर है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा HTTP रिक्वेस्ट किसी भी पेज के लिए, आइडियली किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, पर उसमें जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि जो टर्मिनेटिंग न्यू लाइन सीक्वेंस है ना, कि आपकी एक ब्लैंक लाइन होनी चाहिए, \n होना चाहिए, वो सर्वर नहीं भेज, वो सॉरी अटैकर नहीं भेजेगा। तो इसलिए जब ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचेगी तो सर्वर देखेगा कि अभी \n नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि अभी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई, तो वो इंतजार करेगा सर्वर। और बात यह है कि इट इज पॉसिबल कि कुछ वक्त के बाद अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती तो सर्वर उस कनेक्शन को शट डाउन कर देगा, कहेगा कि अभी तक रिक्वेस्ट इतनी देर से नहीं आई, तो इसका मतलब है कि शायद इसे रिक्वेस्ट करना ही नहीं है, इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। खैर, तो अटैकर फिर इसके लिए क्या करता है, अटैकर बेसिकली हेडर लाइंस वक्तन फोक्तन भेजी जाएगा, यानी पहले एक पैकेट भेजा है रिक्वेस्ट का, ठीक है। उस रिक्वेस्ट का क्योंकि एम्प्टी न्यू लाइन कैरेक्टर एम्प्टी लाइन नहीं है उसमें, तो सर्वर समझेगा कि अभी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। थोड़ी देर बाद अगला रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा अटैकर, उसमें कोई नए हेडर्स होंगे पर उसमें भी न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से जब पैकेट भेजी जाएगा तो सर्वर को लगेगा कि अभी जो है कनेक्शन अलाइव है, रिक्वेस्ट आई जा रही है, यानी एक ही रिक्वेस्ट है उसके डिफरेंट हिस्से जो हैं वो पार्ट बाय पार्ट आई जा रहे हैं, तो सर्वर इंतजार कर ही जाएगा, कहेगा ठीक है जब न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा मुझे तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट पूरी हुई है, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। तो इसलिए वो कनेक्शन जो है वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और क्योंकि कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा तो इस अटैक में मसला क्या है कि इवेंचुअली अगर सारे के सारे थ्रेड जो है वो ऑक्यूपाई करवा लिए है अटैकर ने, तो अब क्या, और देखें इसके लिए अटैकर को भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए। यानी अटैकर सिंपली क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है, दैट्स इट। चले एट मोस्ट हर कनेक्शन के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद एक और रिक्वेस्ट पैकेट भेज देता है, पर वो रिक्वेस्ट पैकेट का साइज तो बहुत छोटा है ना, और उसकी रिस्पांस में सर्वर कुछ भी नहीं भेज रहा, तो दैट मीन्स कि बैंडविड्थ जो है अटैकर की ऐसा जितनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही, और सर्वर की भी बैंडविड्थ इस्तेमाल नहीं हो रही। इंटरेस्टिंगली इस्तेमाल बस क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट करी जा रहे अटैकर, उस रिक्वेस्ट की वजह से एक कनेक्शन बन जाता है, थ्रेड ऑक्यूपाई हो जाती है, और इवेंचुअली जब सारी की सारी थ्रेड ऑक्यूपाई हो जाएंगी, अब अगर कोई वैलिड यूजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो सर्वर रिस्पॉन्ड कर देगा कि अभी जो है कोई थ्रेड अवेलेबल नहीं है, तो सर्वर जो है उसे रिजेक्ट कर देगा रिक्वेस्ट को। तो ये आप देख लें कि कितना इंटरेस्टिंग अटैक है कि आपको कोई बैंडविड्थ ना अपने एंड पे जनरेट करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, ना सर्वर एंड पे, आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आप कनेक्शन खोल के उसे यूज अप नहीं कर रहे, और क्योंकि कनेक्शन यूज अप नहीं होती तो फिर वो कट्ठी हो ही जाएंगी, ऑक्यूपाई हो ही जाएंगी, और इवेंचुअली आपकी थ्रेड्स खत्म हो जाएंगी,
थ्रेड खत्म हो जाएंगी तो कोई नया यूजर कनेक्ट नहीं कर सकेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। एनी क्वेश्चन का, हमने दो टैग्स किए, दोनों HTTP बेस्ड है, यानी सिंपल वेब एप्लीकेशन के बीच में रहते हुए आपने, उसके प्रोटोकॉल की हदों में रहते हुए आपने अटैक किया, आपको ना कोई, हाँ तो एनी क्वेश्चन इसका? ऑलराइट, मूविंग ऑन देन। ठीक है, एक और एप्लीकेशन जो अटैक के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और बाय द वे जो HTTP के हमने दोनों टैग्स किए हैं वो बेसिकली आपके वेब सर्वर को टारगेट करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एप्लीकेशन का, जहां पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी और विक्टिम को टारगेट किया जा सकता है, यानी रिफ्लेक्शन अटैक। ठीक है, तो NTP की रिफ्लेक्शन अटैक जो है वो क्या होता है? पहली बात है कि NTP क्या है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली आपके सिस्टम की क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक मशीन है उसकी क्लॉक थोड़ी डिविएट कर गई है सही टाइम से, तो वो किसी NTP सर्वर के और रिक्वेस्ट भेजेगा, और NTP सर्वर उसे रिस्पांस भेजेगा, और उस रिस्पांस को इस्तेमाल करते हुए जो क्लाइंट है वो अपने सिस्टम की क्लॉक को ठीक कर देगा। NTP प्रोटोकॉल में एक कमांड होती है मॉनलिस्ट की, और मॉनलिस्ट कमांड क्या करती है कि बेसिकली अगर कोई क्लाइंट मॉनलिस्ट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर जो है NTP सर्वर जो है वो बेसिकली एक रिस्पांस भेजेगा जिसके अंदर लास्ट 600 क्लाइंट्स जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी इस सर्वर को, उन सारों की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। यानी मैंने अगर किसी सर्वर से कनेक्ट किया है और मैंने मॉनलिस्ट की कमांड भेजी है, तो वो NTP सर्वर जो है वो मुझे 600 IP एड्रेसेस भेज देगा उन मशीनों के जिन्होंने मेरे से पहले रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर। ठीक है, तो बाय द वे मॉनलिस्ट की कमांड जो है वो NTP सर्वर पे यूजुअली डिसेबल कर दी जाती है, क्योंकि इस कमांड की वजह से काफी बड़ा अटैक किया जा सकता है। और वो अटैक क्या है, तो एक बार आपको सामने फौरन नजर आ जाती है कि अगर आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि देखें मॉनलिस्ट की रिक्वेस्ट कितनी बड़ी होगी, एक छोटा सा पैकेट होगा वो आप सर्वर को भेज रहे हैं, अब उस पैकेट की रिस्पांस में कितनी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि 600 डिफरेंट मशीन्स की इंफॉर्मेशन वापस भेजी जा रही है। तो आप समझ दें कि अप्रोक्सीमेटली आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसका जो साइज था, रिस्पांस उससे तकरीबन 600 गुना ज्यादा होगी बड़ी। ठीक है, अब जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें आप अगर अपना IP एड्रेस ना दें, आप किसी विक्टिम का IP एड्रेस दे दें, तो क्या होगा, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी उसके बदले में 600 गुना बड़ी रिस्पांस आपके विक्टिम को भेज दी गई। ठीक है, 600 गुना बड़ी रिस्पांस विक्टिम को जाएगी, तो यहाँ पे आपको एम्पलीफिकेशन भी नजर आ रही है कि रिफ्लेक्शन भी हो रही है और एम्पलीफिकेशन भी हो रही है कि एक छोटा पैकेट 600 गुना ज्यादा बड़ा ट्रैफिक जनरेट करता है। अब यही काम अगर आप मल्टीपल डिफरेंट सर्वर से करवाएं, यानी रादर देन एक NTP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के, आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल NTP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और बल्कि अपनी एक मशीन से नहीं करते, आप बॉटनेट इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल मशीन से मल्टीपल डिफरेंट NTP सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उन सारे सर्वर्स को जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो सारे रिस्पॉन्ड करेंगे 600 गुना ज्यादा ट्रैफिक से, और वो रिस्पॉन्स आपकी मशीन को नहीं आएगी, वो रिस्पॉन्स उस विक्टिम को जाएगी जिसका आपने IP एड्रेस प्रूफ किया। तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है कि कितना मैसिव अटैक हो रहा है। अब एक सवाल ये आता है के HTTP में मैंने आपको कहा है कि जब आप फ्लडिंग कर रहे थे या स्लो लॉरिस कर रहे थे, तो आप HTTP इस्तेमाल करके HTTP के सर्वर को सिर्फ अटैक कर सकते हैं, किसी और विक्टिम का IP एड्रेस प्रूफ करके आप सर्वर का ट्रैफिक उसकी तरफ नहीं भिजवा सकते, रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते। पर NTP जो है इसके केस में आप रिक्वेस्ट की जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं विक्टिम की तरफ। तो आपके ख्याल में एनी आइडियाज ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो बेसिकली जिन लोगों ने नेटवर्क्स पढ़ी हुई है
उन्हें वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आपके दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक TCP होता है जिसमें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, यानी अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है तो पहले वो मेरे साथ रिस्पॉन्स भेजेगा, फिर मैं उस पर दोबारा उसे एक्नॉलेज करूंगा, तो 3-way हैंडशेक होगा, उसके बाद एप्लीकेशन एक्चुअल डेटा भेजेगी। पर UDP में क्या होता है, कोई 3-way हैंडशेक नहीं है। अगर मैंने सर्वर को कहा कि मुझे फलाना डेटा चाहिए तो सर्वर जो है रिस्पॉन्स भेजनी शुरू कर देगा, मेरे साथ कोई 3-way हैंडशेक नहीं करेगा सर्वर पहले। तो इसलिए क्योंकि 3-way हैंडशेक नहीं हो रहा तो मैं अपनी बजाय किसी और का IP एड्रेस दे देता हूँ, तो सर्वर जो है धड़ाधड़ उस IP एड्रेस पे पैकेट भेजने शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि सर्वर जो है वो भी 3-way हैंडशेक है, इंतजार नहीं करता। TCP में सर्वर को 3-way हैंडशेक करना पड़ता है। तो अगर मैंने क्लाइंट का एड्रेस किसी और विक्टिम का एड्रेस दिया है तो सर्वर उसके साथ 3-way हैंडशेक करना चाहेगा TCP के केस में, और अगर वो विक्टिम जो है वो जवाब ही नहीं देता, कहता है कि मैंने तो इनिशिएट नहीं किया तो मेरे साथ क्यों हैंडशेक किया जा रहा है, तो वो इग्नोर कर देगा। तो इसलिए क्योंकि TCP कनेक्शन नहीं बनेगा तो इसलिए HTTP की ट्रैफिक भी नहीं उसे भेजी जा सकती। NTP में UDP इस्तेमाल किया जाता है, विच मीन के अटैकर एक रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को, उसमें IP एड्रेस किसी और का दे देता है, तो सर्वर क्योंकि UDP इस्तेमाल कर रहे, कोई हैंडशेक वगैरह नहीं हो रहा, तो सर्वर कहेगा मुझे तो रिक्वेस्ट आ गई है, वो धड़ाधड़ जो है वो उसकी ट्रैफिक भेजनी शुरू हो जाएगा विक्टिम को। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑलराइट, मूविंग ऑन देन। तो अभी हमने सिर्फ दो अटैक्स देखे, एक HTTP बेस्ड एप्लीकेशन के जिसमें फ्लडिंग थी और स्लो लॉरेस था, और दूसरा हमने एक और एप्लीकेशन देखी जो कि NTP है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब बात यह कि इसके अलावा अटैक्स पॉसिबल होते हैं, तो यस, आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो कि या प्रोटोकॉल है जिसमें ट्रैफिक जनरेट करने का आंसर है, चांसेस आर कि वो डॉस अटैक के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें एग्जांपल देखें तो एक स्लो रीड अटैक है। स्लो रीड में क्या होता है कि अटैकर जो है एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता है किसी डेटा की, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट भेजते हैं ओवर TCP। ओवर TCP क्यों, अभी उस पर आते हैं। पर बेसिकली अटैकर का काम क्या होता है कि उसने रिक्वेस्ट तो भेज दी है पर उसकी रिस्पांस जो आएगी उसे इतना आहिस्ता आहिस्ता से वो रीड करेगा अटैकर कि आपका जो सर्वर है वो बिजी रहेगा बड़ी देर तक। यानी आप ऐसे समझ लें कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और जिस स्पीड पे मैं बोल रहा हूँ आप उसी स्पीड पे लिख रहे हैं तो हम स्लो डाउन नहीं होते, पर आप में से एक स्टूडेंट है वो कहते हैं कि मैं तो एक मिनट में सिर्फ एक लफ्ज ही राइट कर सकता हूँ, तो फिर बेसिकली मैं बोलूँगा मेरी बोलने की स्पीड मजबूरन मुझे बहुत ज़्यादा स्लो करनी पड़ जाएगी कि मैं एक लफ्ज बोलूँगा फिर एक मिनट इंतज़ार करूँगा कि अगला बंदा जो है स्टूडेंट वो उसे लिख ले, फिर मैं अगला लफ्ज बोलूँगा फिर एक मिनट इस्तेमाल करूँगा इंतज़ार करूँगा ताकि स्टूडेंट लिख ले। तो बेसिकली स्लो रीड हो रहा है कि अगला स्टूडेंट इतना स्लो लिख रहा है कि मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ गई, क्योंकि अगर मैंने तेज़ बोला तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वही स्लो रीड अटैक होता है। और कैसे अचीव किया जाता है, तो बेसिकली आप दो एप्लीकेशन है, क्लाइंट और अटैकर और सर्वर। तो अटैकर जो है वो TCP का कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ, और TCP में बेसिकली आप नेटवर्क के कोर्स में पढ़ेंगे कि TCP में सेंडर जो है वो उस स्पीड पे पैकेट भेजता है जिस स्पीड पे रिसीवर उसे रीड कर सकता है। यानी रिसीवर बेसिकली सेंडर को बता देता है कि मेरा जो एम्प्टी बफर है जिसके अंदर मैं तुम्हारे डेटा को राइट करता हूँ उसमें इतनी जगह है, तो सेंडर क्या करेगा उतना ही डेटा भेजेगा और उसे आगे कुछ नहीं भेजेगा टिल सच टाइम कि क्लाइंट रिसीवर जो था वो सेंडर को कह दे कि चलो मेरे बफर में और जगह पैदा हो गई है तो इतनी जगह और खाली हुई है तुम इतना और डेटा भेज दो, तो फिर सेंडर उतना डेटा और भेज देगा। तो अगर TCP का रिसीव बफर जो है वो अटैकर बहुत ही छोटा अनाउंस करे, यानी सेंडर को कह दे कि मेरा बफर में बहुत ही एक पैकेट की जगह, फॉर एग्जांपल इवन दो जगह ज़्यादा थी पर अटैकर ने कहा कि नहीं एक ही जगह ही है, तो फिर सर्वर जो है सेंडर जो है मजबूरन एक पैकेट ही भेजेगा एक वक्त पे, और ऊपर से अटैकर दूसरी क्या हरकत करता है कि जब पैकेट आ गया एक सिर्फ एक पैकेट ही रिसीव किया है अब उसे रीड भी स्लोली करेगा, यानी फौरन एप्लीकेशन रीड नहीं कर देगी
वो एक एक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली उसे रीड करेगी। तो बेसिकली जितना स्लो डाउन कर सकता है वो सेंडर को उतना स्लो डाउन करेगा। अब मसला क्या है कि सेंडर इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि फ्लो ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उस टाइम तक सेंडर का जो थ्रेड है वो बिजी रहेगी, वो किसी और को सर्व नहीं कर सकेगी। तो ये स्लो रीड अटैक होता है। अगला अटैक है TTL एक्सपायरी अटैक। तो TTL क्या होता है, क्लास के नेटवर्क के अंदर आपका हर पैकेट जो है उसमें एक टाइम टू लिव की वैल्यू होती है। यानी मैंने एक पैकेट भेजा है, लेट्स सपोज उसमें टाइम टू लिव 5 है, तो वो अगले राउटर पे जाके उसके TTL की वैल्यू 4 हो जाएगी। वो राउटर अगले किसी राउटर को फॉरवर्ड करता है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, उससे अगले पे 2 होगी, उससे अगले पे 1 होगी, उससे अगले पे 0 हो जाएगी। और अगर 0 हो जाए टाइम टू लिव TTL, तो फिर राउटर जो है या जो भी एंड मशीन है वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देती है, कहती है कि इसका टाइम टू लिव 0 हो गया, इसे ड्रॉप कर दो। अब टाइम टू लिव 0 होने का मकसद क्या है, आप TTL की वैल्यू रखते क्यों हैं? तो क्लास इंटरनेट पे मसला ये होता है कि अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल रही तो इट इज़ पॉसिबल कि एक पैकेट जो है वो इंटरनेट के ऊपर घूम ही जाए। तो जब आप टाइम टू लिव की वैल्यू रख देते हैं तो वो क्या होता है कि हर राउटर के ऊपर वो वैल्यू 1 कम हो जाती है। तो इवेंचुअली अगर 0 हो जाएगी तो राउटर को समझ आ जाएगी कि ये पैकेट नेटवर्क के ऊपर बड़ी देर से घूम रहा है, अभी तक इसकी डेस्टिनेशन नहीं मिली, तो चांसेस आर कि वो आइंदा भी नहीं मिलेगी, तो वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। ये TTL का मकसद है और ये एक बड़ी यूजफुल चीज़ है। इसके बगैर जो है क्या मसला होना था कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे पैकेट होते हैं जो बस घूम ही जाते बैंडविड्थ ज़ाया करते हैं और कभी वो डेस्टिनेशन तक ना पहुँचते। तो TTL की वजह से उन्हें डेस्टिनेशन तक अगर वो नहीं पहुंच पा रहे तो इवेंचुअली उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है ताकि वो बैंडविड्थ तो ज़ाया ना करें ना, ठीक है। तो इस फीचर को, इस इंपॉर्टेंट फीचर को अटैक के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखें, जब TTL 0 हो जाते हैं किसी राउटर पे, तो राउटर क्या करेगा, अपना CPU प्रोसेसिंग साइकिल इस्तेमाल करते हुए एक ICMP का एरर मैसेज जनरेट करेगा। वो एरर मैसेज होगा टाइम एक्सीडेड का, और फिर ये एरर मैसेज जो है ये वापस भेज देगा, ठीक है। जैसे हमने पिंग देखा था कि पिंग के केस में एंड मशीन एक ICMP पैकेट भेजती है वापस, तो TTL एक्सपायरी की केस में भी ICMP मैसेज एक वापस भेजा जाता है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल पैकेट इस तरह के जनरेट करें जिनका TTL फॉर एग्जांपल मैं 2 रख देता हूँ, यानी मैंने पाकिस्तान से US तक पैकेट भेजना है पर उसका मैं TTL अगर 2 रख देता हूँ, तो 2 का क्या मतलब है, इस कंप्यूटर से जो वायरलेस राउटर है उस तक पैकेट जाएगा तो TTL 2 से 1 हो जाएगा, उस वायरलेस राउटर से UMT के गेटवे राउटर तक पैकेट जाएगा तो वो 1 से 0 हो जाएगा, और फिर UMT का गेटवे राउटर जो है उस पैकेट को ड्रॉप करके ICMP मैसेज जनरेट करेगा और मुझे वापस भेज देगा। अब बात यह कि ये तो अगर मैंने अमेरिका पैकेट भेजना था तो मैं TTL ज़्यादा रखता, मैंने जानबूझ के TTL इतना रखा कि पैकेट जो है वो UMT के गेटवे राउटर तक पहुँचे और फिर वहीं पर ड्रॉप हो जाए, उससे आगे ना जाए, और इतने ज़्यादा मैं पैकेट भेज दूँ और वो इतने ज़्यादा पैकेट ड्रॉप हो कि UMT का गेटवे राउटर जो है वो बार बार ICMP एरर मैसेज बनाई जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैंडविड्थ भी ज़ाया होगी और जो CPU साइकिल थे वो भी ज़ाया हो गए, यानी प्रोसेसर को ढंग का काम करता उसकी बजाय वो ICMP मैसेज ही टाइम एक्सीडेड वाले मैसेज ही जनरेट करने में लग गया। तो ये बेसिकली आपका किसी राउटर को अगर आप ओवरवेल्म करना चाहें, बर्डन करना चाहें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला अटैक एक और एग्जांपल है ARP स्पूफिंग का। तो ARP क्या होता है, ठीक है, ARP बेसिकली क्या होता है कि देखें, अभी तक हमने बात की थी कि आपके इंटरनेट के ऊपर आपने किसी मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसका IP एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैंने अगर आपको कोई पैकेट भेजना है तो मुझे आपकी मशीन का IP एड्रेस पता होना चाहिए, ये एक एड्रेस हो गया। दूसरी बात हमने की थी कि मैंने अगर आपकी मशीन तक पैकेट भेज दिया है, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा कि ये पैकेट किस रनिंग एप्लीकेशन को जाना चाहिए, तो वो उस पैकेट में मैंने एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई किया होता है। वो पोर्ट नंबर बेसिकली उस मशीन के ऊपर
एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी अगर आपने 10 ब्राउजर विंडो खोले हुए हैं तो हर ब्राउजर विंडो का सोर्स को जो पोर्ट नंबर होगा वो फर्क होगा, ठीक है। तो ये दो एड्रेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा जो तीसरा एड्रेस है वो होता है मैक एड्रेस, यानी आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन है, आप अगर UMT में अपने घर में बैठे हुए हैं तो शायद उनका IP एड्रेस फर्क हो, अगर आप UMT में SST बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो शायद उनका IP एड्रेस फर्क हो, और अगर आप UMT के मेन जो बिल्डिंग है उसमें बैठे हुए हैं तो शायद कोई और IP एड्रेस हो। तो क्यों ये डिफरेंट होते हैं वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, वो आप नेटवर्क के लेक्चर देख सकते हैं। पर बात यह है कि IP एड्रेस फर्क हो सकता है, क्या एड्रेस है जो कि हर मशीन का यूनिक होता है और हमेशा वही रहता है, तो वो मैक एड्रेस होता है। यानी आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है तो फैक्ट्री से जब वो मोबाइल फ़ोन आया है तो उस फैक्ट्री ने उसके अंदर हार्ड कोड कर दिया कि इस मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस क्या होगा। अगर आपने कंप्यूटर ख़रीदा है तो फैक्ट्री जो है उसके अंदर हार्ड कोड लिख देती है कि इस मशीन का, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैक एड्रेस का सर, इस मैक एड्रेस से फिर क्या एडवांटेज हमें मिल सकते हैं? यार वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मेरा ऑनलाइन वीडियो पड़ी हुई आप उसे काइंडली देख लें, ठीक है, वरना फिर हम इसे नेटवर्क के लेक्चर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा हुआ सर, उसमें हाँ जी उसमें नेटवर्क के जो एंड के लेसन है ना, जो डेटा लिंक लेयर वाले लेसन, उनमें सारी जी PF के पड़े हुए हैं, नेटवर्क के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है अगर उस पर कुछ सवाल हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना लेक्चर के बाद हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के दौरान, ठीक है। एनीवे तो फायदा वो काफी डिटेल में हो जाएगा, उसे छोड़ दें, बस इस बात को देख लें कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो IP एड्रेस की बेसिस पे एक मशीन से दूसरी मशीन तक जानी होती है, पर एक मशीन से जो अगले राउटर, बेसिकली डेस्टिनेशन के बीच में मल्टीपल राउटर्स हैं, यानी मैं अगर Gmail के सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो बीच में मेरे घर का वायरलेस राउटर आ जाता है, उसके बाद ISP का राउटर आ जाता है, ISP में मल्टीपल राउटर्स होंगे, ISP किसी और ISP से कनेक्टेड होगी, तो मल्टीपल राउटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी मशीन से Gmail तक के सर्वर तक और Gmail के सर्वर से मेरी मशीन तक जो भी पैकेट आएंगे उनमें पोर्ट नंबर होगा, उनमें IP एड्रेस होगा और ये फिक्स्ड होंगे, पर हर हॉप पे जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। यानी पहली हॉप क्या है, मेरे एंड से मेरे घर के वायरलेस राउटर तक पैकेट जा रहा है, तो उसके लिए मैक एड्रेस चाहिए, वायरलेस राउटर मेरा मैक एड्रेस और उस वायरलेस राउटर का मैक एड्रेस। वो वायरलेस राउटर ISP को जब वो पैकेट भेजेगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, वायरलेस राउटर का अपना मैक एड्रेस और ISP राउटर का मैक एड्रेस, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब लेट सपोज राउटर के ऊपर वायरलेस राउटर पे एक पैकेट आया है, तो ARP क्या होता है कि बेसिकली वायरलेस राउटर एक अनाउंसमेंट कर देगा कि इस मेरे घर में जितने कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड हैं, वो वायरलेस राउटर कहेगा कि ये IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ये तुम में से किस मशीन का IP एड्रेस है। तो जिस भी मशीन का वो IP एड्रेस होगा वो मशीन रिस्पॉन्ड करेगी अपने मैक एड्रेस से, यानी वो राउटर को कहेगी कि ये IP एड्रेस मेरा है और अगर इस IP एड्रेस के लिए तुम्हारे पास कोई पैकेट पड़ा हुआ है तो वो मुझे भेज दो। कैसे भेजोगी, ये मेरा मैक एड्रेस है, इस मैक एड्रेस पे मुझे पैकेट भेज दो, वो मुझे मिल जाएगा। ये काम जो है, ये जो पूरी बात हुई है कि IP एड्रेस बताया, उसकी रिस्पांस में उस मशीन ने अपना मैक एड्रेस बताया, इस सारे प्रोटोकॉल को एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ARP, ठीक है। अब ARP को कैसे अटैक किया जा सकता है कि अगर वायरलेस राउटर ने कहा कि ये IP एड्रेस किसका है, ठीक है, तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर अपना मैक एड्रेस दे देगा, इवन दो वो IP एड्रेस अटैकर का नहीं था, अटैकर झूठ बोल देगा, अटैकर कहेगा कि तुमने जो IP एड्रेस अनाउंस किया ये मेरा है, अटैकर अपना मैक एड्रेस बता देगा सर्वर को, राउटर को। अब इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि अब जितने भी उस IP एड्रेस के लिए पैकेट राउटर पे आएंगे, राउटर वो पैकेट्स जो है किसे भेज देगा, अटैकर के मैक एड्रेस पे।
तो अटैकर के मैक एड्रेस पे भेजने से क्या हुआ है कि आपका जो एक्चुअल जो ओनर था उस आईपी एड्रेस का, उस तक अब कोई भी पैकेट नहीं जाएगा। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, यानी उस बंदे के लिए जो पैकेट आने चाहिए थे वो अब कोई भी पैकेट उसे नहीं जाएगा, वो सारे पैकेट अटैकर की तरफ चले जाएंगे। तो वो जो है वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसे कोई भी कनेक्शन नहीं अचीव पे कर सकेगा क्योंकि उस तरफ पैकेट ही कोई नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो ये ARP स्पूफिंग अटैक होता है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ क्लास? ऑलराइट, तो अब हम बेसिकली मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स डिफेंस टेक्निक्स। तो अटैक हमने डिफरेंट टाइप के देख लिए हैं। अब बात ये है कि आप अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप कैसे अपने सिस्टम को डिफेंड करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं डॉस अटैक से बचने के लिए? तो एक चीज तो है एप्लीकेशन फ्रंट एंड हार्डवेयर। बेसिकली आपका जो नेटवर्क है उसमें आप उस नेटवर्क के अंदर आप एक ऐसी हार्डवेयर प्लेस कर दें, ठीक है, एक इंटेलिजेंट हार्डवेयर। वो क्या करेगी कि उस हार्डवेयर के थ्रू जो भी पैकेट गुजरेगा, और यू मेक श्योर कि आपके नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक है वो उस हार्डवेयर के थ्रू गुजरे, तो वो क्या करेगा, वो उस हार्डवेयर को एनालाइज करेगा, सॉरी हार्डवेयर उन पैकेट्स को एनालाइज करेगी और देखेगी कि ये पैकेट जो है ये कोई नॉर्मल पैकेट लग रहा है कि कोई अटैक पैकेट लग रहा है। ठीक है, यानी आप समझ लें कि लेट्स सपोज UMT के अंदर एक पैकेट जनरेट हुआ है, UMT के अंदर ही किसी डेस्टिनेशन के लिए, पर उस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस है वो कोई ऐसा एड्रेस है जो कि सिर्फ अमेरिका में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इंटेलिजेंट हार्डवेयर है ये समझ जाएगी कि ये पैकेट आया है UMT के अंदर से ही मेरी तरफ आया है, तो इसका जो एड्रेस होना चाहिए वो अमरीकी कैसे हो सकता है, वो कोई पाकिस्तानी IP एड्रेस होना चाहिए था। तो वो समझ जाएगा कि ये जो है ये ठीक नहीं लग रहा है, ये कोई खतरनाक पैकेट है। ठीक है, इसके अलावा इंटेलिजेंटली एनालाइज करने का ये भी मतलब है कि पैकेट के डेटा जो स्ट्रीम जा रही है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी पैकेट साइजेस कितने हैं, उनमें एड्रेसेस क्या हैं, उन पैकेट के बीच में कितना डिले है, यानी फौरन ही आ रहे हैं कि डिले के साथ आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो एनालाइज करके डिसाइड करते हैं कि ये जो है इस तरह के पैकेट साइजेस और इतने डिले के साथ आना, ये यूजली फॉर एग्जांपल स्लो लॉरिस अटैक में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जहाँ इतने ज़्यादा पैकेट एक ही ट्रैफिक के लिए ब्रॉडकास्ट होते हुए जा रहे हैं तो चांसेस आर कि ये शायद कोई स्मर्फ अटैक हो। तो यानी आपका जो एनालाइजर है वो ये चीज़ें डिटरमिन करेगा कि ये पैकेट किसी अटैक ट्रैफिक को बिलोंग करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो उन्हें ड्रॉप कर देगा, उन्हें आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, अगर अटैक ट्रैफिक नहीं लग रही तो फिर भी वो क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये रेगुलर आम पैकेट है या कोई हाई प्रायोरिटी पैकेट है। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रायोरिटी क्या होता है, आपके कोई सिक्योरिटी वाले मैसेजेस अगर आपने एक्सचेंज करने हैं, कोई कंट्रोल मैसेज एक दूसरे को आपने इन्फॉर्म करने डिफरेंट मशीन को कि ये थ्रेट है इसको इस पे काबू पाओ, तो ये जरूरी हाई प्रायोरिटी मैसेज होता है। उसके अलावा अगर आप किसी के साथ टेलीफोन कॉल कर रहे हैं तो वो हाई प्रायोरिटी होता है। अगर आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो हाई प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि फाइल डाउनलोड अगर 10 मिनट में नहीं होती 15 में हो जाती है तो आपको इतना मसला नहीं होगा। तो खैर, तो ये जो एप्लीकेशन फ्रंट एंड हार्डवेयर होते हैं ये बेसिकली ये सारी चीज़ें कर रहा होता है कि डेंजरस तो नहीं है, अगर नहीं है तो लो प्रायोरिटी है कि हाई प्रायोरिटी है, और बेस्ड ऑन दैट वो भी डिसाइड करता है कि इस पैकेट को ड्रॉप करना है, जाने देना है, और अगर जाने देना है तो फौरन जाने देना है या क्यू में डाल के बाद में जाने देना है। सर, हाँ जी सर, हमें 100% शोर्ट ही है कि वो इस तरह पैकेज ड्रॉप कर देता है, ये हमारी हार्डवेयर कर देगी के बाद का। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास देखिए यहाँ पे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और मशीन लर्निंग में जो है आपके पास 100% तो कुछ भी नहीं होता ना, यानी वो अंदाजा ही कर रहा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, वो प्रोबेबिलिटी और लीनियर बेस होता है। तो 97% अभी तक एक्यूरेसी मिली है डीप लर्निंग से। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 97% का मतलब है कि 100 में से 3 पैकेट है जो कि गलत आइडेंटिफाई हो गया। पर बात यह है कि अगर 3 पैकेट फॉर एग्जांपल गलत आइडेंटिफाई हो भी गए तो इसका क्या मेरा मतलब नुकसान हो जाएगा,
यानी इसके बदले में देखें कि आपको फायदा कितना हो रहा है, समझ आइए? यस सर। यानी आपके आप घर से बाहर निकलते हैं और सामने जो है खंबे से एक तार लटकी हुई है, सही है, तो चांसेस आर कि उसमें करंट ना आ रहा हो, चांसेस आर उसमें करंट आ रहा हो, आप पकड़ के देखेंगे? नहीं, ठीक है, लेट सपोज जरूरी था आपका पकड़ना, पर फिर भी अगर आप नहीं पकड़ते तब कितना नुकसान होगा, और अगर आप पकड़ते हैं और करंट आ रहा था तब कितना नुकसान होगा, बंदा मर जाएगा। तो इसी प्रोबेबिलिटी होता है कि यस आप गलती करेंगे, पर एक चीज है कि कितनी दफा गलती करेंगे, यानी हाँ अगर आप 80% ऑफ 80% ऑफ द टाइम गलती कर रहे हैं तो फिर वो आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, पर अगर सिर्फ 10% ऑफ द टाइम गलती हो रही है तो ठीक है, उससे तो कोई नुकसान नहीं होता ना, उससे आप दोबारा पैकेट को कह देंगे रीट्रांसमिट कर दो, ठीक है। एनीवे तो ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। मूविंग ऑन, एप्लीकेशन फ्रंट एंड हार्डवेयर से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट फायरवॉल्स का भी है। फायरवॉल बेसिकली क्या करते हैं, आपके नेटवर्क में एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर आपने रूल्स इंप्लीमेंट किए होते हैं। रूल क्या है कि फॉर एग्जांपल फलाना प्रोटोकॉल है उसे ब्लॉक कर दो, यानी यूएमटी में आप क्या, अगर कोई पीयर टू पीयर बिट टॉरेंट वगैरह का प्रोटोकॉल है तो वो शायद ब्लॉक किया हो, क्योंकि यूएमटी कहेगा कि टॉरेंट इस्तेमाल करना इलीगल है, हम अपनी यूनिवर्सिटी में इलीगल काम नहीं करवा सकते। तो कोई भी पैकेट इस प्रोटोकॉल को बिलोंग कर रहा होगा या इस पोर्ट नंबर को फॉर एग्जांपल बिलोंग कर रहा होगा तो फायरवॉल उसे ड्रॉप कर देगा। या फिर क्या हो सकता है, फायरवॉल में रूल हो सकते हैं कि अगर किसी सोर्स से बहुत ज्यादा दफा आपको अटैक किया जाता है तो आप फायरवॉल में रूल बना देते हैं कि इस आईपी एड्रेस से कोई भी पैकेट आया उसे ड्रॉप कर दो, उसे अंदर ना आने देना, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, इनकी बेसिस पे आपके ट्रैफिक को ब्लॉक किया जा सकता है, ये फायरवॉल कर रहे होते हैं। फायरवॉल का दूसरा फायदा ये भी है कि फायरवॉल के पीछे जितना भी नेटवर्क है वो विजिबल नहीं होता, फिर बाहर की दुनिया को सिर्फ फायरवॉल नजर आ रहा होता है, उसके पीछे क्या है वो सारा छुपा हुआ है। तो अगर आपके कंप्यूटर छुपे हुए हैं तो उन्हें अटैक करना उतना ज्यादा और मुश्किल हो जाता है। अटैक यूजली उसी चीज को किया जाता है जो कि आपको सामने से नजर आ रही हो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक डिफेंस टेक्निक हो गई। दूसरी डिफेंस टेक्निक होती है अपस्ट्रीम फिल्टरिंग, ठीक है। यानी डॉस अटैक में अभी तक हमने जो देखा है तो सबसे बड़ा मसला जो था वो स्पूफिंग का था। स्पूफिंग का मतलब ये है कि मैंने अटैकर ने ट्रैफिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और उसमें जो सोर्स एड्रेस है वो अटैकर ने अपनी बजाय किसी और का डाल दिया ताकि रिस्पॉन्स उसकी तरफ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फिर डिफेंस क्या होगा कि देखें, अगर लेट सपोज मैंने यूएमटी, मैंने एक पैकेट मैं अटैक कर रहा हूँ यूएस में किसी मशीन को, लेट सपोज मैंने जो है एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजा है किसी सर्वर को और उसके अंदर जो सोर्स आईपी एड्रेस जो डाला है वो मैंने अपनी बजाय उस यूएस की मशीन का डाल दिया, तो अब क्या होगा, मेरा पैकेट में लेट्स गो यूएमटी के अंदर बैठ के अटैक कर रहा हूं, तो मेरा पैकेट जब यूएमटी के राउटर पे पहुंचेगा तो यूएमटी का राउटर देखेगा कि यार ठीक है डेस्टिनेशन जो भी हो मेरे अंदर से, मेरे नेटवर्क के अंदर से ये पैकेट जनरेट हुआ है और इसमें जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो मेरे आईपी एड्रेस में से कोई भी नहीं है, वो अमेरिका का कोई आईपी एड्रेस है। ये कैसे हो सकता है? या एक और एग्जांपल लें कि वो पैकेट लेट सपोज मैं अपने घर से अटैक कर रहा हूं तो मेरा पैकेट जब आईएसपी के राउटर पे पहुंचेगा तो राउटर देखेगा कि इस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस है वो अमेरिका का कोई एड्रेस है। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर से मेरे पे पैकेट आया है और उसका आईपी एड्रेस मेरे आईपी एड्रेस में से कोई भी नहीं है, अमेरिका का कोई आईपी एड्रेस है? तो वो समझ जाएगा कि ये स्पूफिंग हो रही है। तो इन दैट केस क्या होगा, उसे पता लग जाएगा स्पूफिंग हो रही है, वो उस पैकेट को फिल्टर कर सकता है, ड्रॉप कर देगा। और याद रखें कि अटैक करने वाले के, यानी स्पूफिंग करने वाले के जितने करीब नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आइडेंटिफाई करना आसान होता है। यानी मैं पैकेट भेजता हूं तो यूएमटी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एड्रेस मेरा नहीं है। मैं पैकेट भेज यूएमटी को भेजता हूँ, यूएमटी आईएसपी को भेजता है
तो वो भी डिटरमिन कर लेगा कि सोर्स एड्रेस कोई हमारा नहीं लग रहा। पर लेट्स सपोज उस आईएसपी ने उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया आगे यूएस की किसी आईएसपी में, और उसने फॉरवर्ड कर दिया आगे यूएस की किसी आईएसपी को, तो अब उस वाली आईएसपी के लिए आइडेंटिफाई करना कि ये पैकेट कहां से आया है और सोर्स एड्रेस क्या है, तो सोर्स एड्रेस अमरीकी है, पर वो आईएसपी देखेगी कि मेरी तरफ पैकेट किसी और आईएसपी से आया है और वो आईएसपी भी अमरीका के अंदर ही है, तो कहेगा ठीक है ये पैकेट सोर्स एड्रेस ठीक लग रहा है, क्योंकि उस आईएसपी को नहीं पता कि ओरिजिनली ये पैकेट जो है ये पाकिस्तान से आया है। अगर उसे पता होता तो कह देता कि पाकिस्तान से आया है और सोर्स आई पी एड्रेस इसमें अमरीकी है, तो ये तो कोई मशकूक चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि अटैकर के जितना करीब वाली आईएसपी फिल्टरिंग कर दे, ये चेक लगा दे, उतना ज्यादा आईपी स्पूफिंग को पकड़ना आसान हो जाता है। जितना ज्यादा डेस्टिनेशन के करीब पैकेट पहुंचेगा उतना ज्यादा उस पैकेट में स्पूफिंग को आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट। अगली पे डिफेंस टेक्निक है, एक सिन कुकीज का कॉन्सेप्ट है, यानी सिन स्पूफिंग में हमने देखा था कि एक पैकेट जो है, सॉरी एक अटैकर जो है वो सर्वर को सिन पैकेट भेजता है और उसमें जो आईपी एड्रेस होता है वो लेट्स सपोज किसी और का होता है, विक्टिम का। और मकसद क्या होता है कि सिन पैकेट भेज दिया है, उसके रिस्पांस में सिन एक जाएगा और उसके रिस्पांस में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो क्या होगा कि सर्वर एंड पे जो टीसीपी कनेक्शन टेबल होता है उसमें एंट्रीज बनी जाएंगी हर कनेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, पर क्योंकि वो कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा या उस कनेक्शन का थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो एंट्री वहां पे पड़ी रहेगी, वहां से निकलेगी नहीं कनेक्शन टेबल से। ठीक है, तो सिन कुकीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर टीसीपी कनेक्शन फिल अप होता जा रहा है टेबल, तो रादर देन कोई नई कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है तो वो इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर करने की बजाय सर्वर क्या करेगा, एक कुकी बनाएगा, सारी इंफॉर्मेशन कुकी में स्टोर कर देगा, अपने एंड पे कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, और वो कुकी जो है वो इनक्रिप्ट करके टीसीपी का जो भी रिस्पांस पैकेट था उसके हेडर में डाल के सेंड कर देगा। तो बेसिकली कुकी का फायदा ये है कि अब सर्वर को खुद कोई स्टेट मेंटेन नहीं करनी पड़ी, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कुकी के अंदर सेव हो जाएगी, अगली दफा क्लाइंट जो है वो कुकी साथ भेज देगा तो सर्वर को पता लग जाएगा कि ये कुकी के कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्शन कौन सा था। और ये चीज हमने एचटीटीपी में भी की थी, आपको याद होगा कि एचटीटीपी कुकी का यही मकसद होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर एंड पे स्टोर ना करनी पड़े, सब कुछ एक कुकी के अंदर आ जाए, स्टोर हो जाए, और उस कुकी को देखते हुए सर्वर को पता लग जाए कि उस कनेक्शन रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन थी जो कि कुकी में पड़ी हुई है। तो वही काम आप टीसीपी के लिए कर लेते हैं। तो इन दैट केस अगर सारी इंफॉर्मेशन टीसीपी के सिन कुकी के अंदर डाल दी गई है तो अब कनेक्शन टेबल के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करना पड़ रहा सर्वर को, तो कनेक्शन टेबल जो है ऊपर खाली रहेगा, इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये डिफेंस है, पर ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कुकीज मेंटेन करना, उन्हें कुकी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करना, फिर इनक्रिप्ट करना, फिर सेंड करना, फिर क्लाइंट उस कुकी को रीड करेगा, फिर अगली दफा क्लाइंट भी वो कुकी सेंड करेगा, तो इसमें जो है बेसिकली आपकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है। तो इससे ज्यादा एक आसान तरीका है रैंडम ड्रॉप का, कि अगर कोई कनेक्शन टेबल फुल होता जा रहा है तो सर्वर देखेगा कि इनमें से कौन कौन से एंट्रीज हैं जो कि अभी तक इनकम्प्लीट हैंडशेक्स हैं, उनमें से किसी एक को जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा और उसे जो है डिलीट कर देगा, कहेगा कि ये अभी तक ये हैंडशेक कंप्लीट नहीं हुआ, तो चांसेस आर के बाद में भी कंप्लीट नहीं होगा, तो सर्वर जो है उस हैंडशेक को, उस फ्लो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने टीसीपी कनेक्शन टेबल में से डिलीट कर देता है, तो इससे फिर अगले नए फ्लोस के लिए जगह बन जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर कोई सिन स्पूफिंग अटैक करना चाह रहा है तो आप रैंडमली पैकेट ड्रॉप कर दें, सॉरी कनेक्शन जो है वो ड्रॉप कर दें, तो अटैकर की भी कनेक्शन ड्रॉप होती जाएंगी फिर, और आपका जो टेबल है उसमें जगह बनती जाएगी नई कनेक्शंस के लिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन। फिर एक और ऑप्शन होती है रेट लिमिटिंग और कनेक्शन लिमिट्स की, यानी सर्वर और आईएसपी जो है वो लिमिट लगा सकते हैं, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ही जगह से अगर मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्वर कह सकते हैं कि ठीक है लिमिट है,
अगर मुझे 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर कहते हैं कि मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 रिक्वेस्ट की इजाजत दे सकता हूँ एक सिंगल मशीन से। जहाँ पे सर्वर कह सकते हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको मैं एक सर्टन बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं दूंगा, यानी सर्वर के पास अगर 100 मेगाबिट पर सेकंड की बैंडविड्थ है और उसके पास 100 कनेक्शन आए हैं, तो सर्वर कह सकते हैं कि ठीक है मैं हर कनेक्शन को सिर्फ 1 मेगाबिट पर सेकंड दूंगा। तो उससे भी क्या होता है कि अगर कोई एक अटैकर था जो कि सर्वर से बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ जनरेट करवाना चाह रहा था ट्रैफिक, तो सर्वर उसे 1 मेगाबिट पर सेकंड से ज़्यादा की बैंडविड्थ नहीं देगा। तो इस तरह से भी फायदा क्या होता है कि बाकी कनेक्शन जो है उन सारों को भी फेयरली ईमानदारी से बैंडविड्थ मिलती रहेगी और डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होगा। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल में एक एग्जांपल देखें स्लो लॉरस अटैक का, तो उसे प्रिवेंट करने का तरीका क्या हो सकता है कि सर्वर कह सकता है कि एक आईपी एड्रेस से मुझे जितने भी रिक्वेस्ट आएंगी मैं उनमें से एक हद तक की कनेक्शन एक्सेप्ट करूंगा। यानी अगर अटैकर जो है वो मुझे 1000 रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मैं 1000 कनेक्शन उसे नहीं दूंगा, मैं उसे 5-10 दे दूंगा, दैट्स इट। दूसरा डिफेंस क्या हो सकता है, सर्वर कह सकता है कि अगर एक अटैकर जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड पे डेटा रीड कर रहा है, तो सर्वर कह सकता है कि इसकी मैं इजाज़त नहीं दे सकता। अगर कोई एक सर्टन स्पीड से कम पे रीड कर रहा है तो वो उसे जो है वो फिर डिस्कनेक्ट कर देगा, उसकी कनेक्शन जो है ड्रॉप कर देगा। यानी आप ऐसे समझ लें कि अगर मेरा कोई, मैं जिस स्पीड पे बोल रहा हूँ सारी क्लास उस सीट स्पीड पे नोट्स बना रही है और एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो कहता है कि नहीं मैं तो 1 मिनट में एक ही लफ्ज लिख सकता हूँ, तो फिर मैं उस स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि ठीक है यार मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, अगर तुम मेरी स्पीड पे चल सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं चल सकते तो फिर किसी और क्लास में चले जाओ या फिर जो भी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि सर्वर जो है वो क्लाइंट का कह सकते हैं कि ये मिनिमम स्पीड है, अगर इस पे तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते तो फिर डिस्कनेक्ट कर जाओ, मैं तुम्हें कनेक्ट नहीं करने दूंगा। और यही चीज़ सर्वर ऐसे भी कर सकता है कि एक लेंथ ऑफ टाइम तक कनेक्शन की इजाज़त है, यानी क्लाइंट को कह दे कि ठीक है कनेक्ट किए क्लाइंट ने, इतना टाइम है उसके अंदर अगर क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो ठीक है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्लो लॉरस अटैक जो है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। स्मर्फ अटैक क्या थे, तो वो हमने एक एग्जांपल किया था कि स्मर्फ अटैक होते हैं, फॉर एग्जांपल एक नोड ने पैकेट भेजा है, सॉरी अटैकर ने एक पैकेट भेजा है, उस पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो अब वो नेटवर्क पे जब पैकेट पहुंचेगा तो राउटर उसकी कॉपीज बना के आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे जिनको पैकेट मिलेगा वो उसकी कॉपीज बना के आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो बेसिकली सेंडर अटैकर ने सिर्फ एक ही पैकेट भेजा था, वो नेटवर्क के अंदर ही उसकी कॉपीज बांध रही है और एक मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह के स्मर्फ अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो एक ऑप्शन है कि राउटर्स वगैरह को कन्फिगर कर दिया जाए कि अगर तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है ICMP तुमने जवाब नहीं देना, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आता है जो कि ब्रॉडकास्ट पैकेट है जिसमें आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट वाला आईपी एड्रेस है, तो उसे तुमने फॉरवर्ड नहीं करना, उसे ड्रॉप कर देना। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर एक मशीन अटैकर ने एक पैकेट भेजा है तो वो एक ही पैकेट भेजेगा और नेटवर्क में एक ही पैकेट फेरेगा, ये नहीं होगा कि उस पैकेट की मल्टीपल कॉपीज बने और वो आगे कॉपीज फॉरवर्ड हो, उनकी आगे कॉपीज बने वो आगे फॉरवर्ड हो, नहीं। तो इस तरीके से आपका स्मर्फ अटैक जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर आपका नेटवर्क पे कोई भी ऐसा विक्टम आइडेंटिफाई हुआ है, फॉर एग्जांपल के कोई एक विक्टम है जो कि स्पूफिंग का विक्टम है और सारी ट्रैफिक जो है उस विक्टम की तरफ भेजी जा रही है, या सिर्फ स्पूफिंग नहीं यानी कोई भी विक्टम है, अगर किसी विक्टिम के ऊपर ट्रैफिक भेजी जा रही है और नेटवर्क को पता लग जाता है कि ये आईपी एड्रेस जो है ये विक्टिम है, तो उस नेटवर्क में ब्लैक होलिंग या सिंक होलिंग की जा सकती है। ब्लैक होलिंग और सिंक होलिंग का क्या मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है उसने एक ऐसा आईपी एड्रेस रखा होगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और अगर कोई पैकेट विक्टिम जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है तो जितने भी पैकेट्स उस विक्टिम के लिए डेस्टिन्ड हैं
वो पैकेट विक्टिम को नहीं भेजे जाएंगे, वो एक नॉन एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को भेज दिए जाएंगे ताकि पैकेट ड्रॉप हो जाए. नॉन एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस या नॉन एग्जिस्टिंग पोर्ट या इंटरफेस, कि वो पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाए, वो आगे ना आ जाए विक्टिम की तरफ. ये भी किया जा सकता है कि जो ब्लैक होल, ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि पैकेट जो है वो ब्लैक होल के अंदर आ ही जा रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकलने, बस उसके अंदर ही है, वो धांस के रह जाते हैं. ये भी किया जा सकता है कि ये जो ब्लैक होल है इसमें जब पैकेट आता है तो ड्रॉप तो वो कर दिया जाएगा, पर इसके अलावा जो नेटवर्क है वो उसे एनालाइज भी कर लिया, ताकि उसे अटैक के बारे में जो ट्रैफिक है उसकी प्रॉपर्टीज पता लगे, ताकि आइंदा जो अटैक है वो ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई होकर उसे रोका जा सके. ठीक है, तो ये ब्लैक होलिंग और सिंक होलिंग का कॉन्सेप्ट है. और आखिरी जो डिफेंस टेक्निक है वो है कैप्चास की, कि यूजली आपके जो अटैक होते हैं डॉस अटैक, उसमें काफी दफा बॉट्स इस्तेमाल होते हैं. यानी कोई रिक्वेस्ट भेजी जा रही है तो वो इंसान नहीं रिक्वेस्ट भेजता, वो ऑटोमेटेड होती है, वो जोम्बी या बॉट भेजते हैं. तो इन दैट केस सर्वर क्या कर सकता है कि ठीक है रिक्वेस्ट आई है, चलो ये कैप्चा है इसे सॉल्व कर दो. कैप्चा बेसिकली क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल वो टेक्स्ट कोई अजीब सा टेक्स्ट लिखा होगा, ऐसा अजीब टेक्स्ट होगा कि कंप्यूटर जो है वो उसे रीड ना कर सके, पर इंसान जो है वो आंखों से देखते ही बता देंगे क्या लिखा हुआ है. यानी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ओवरलुक्स इंक्वायरी लिखा हुआ है, तो आप ये लफ्ज बड़े आराम से, वो पिक्चर में मैच करनी होती है इस तरह की, आप बड़े आराम से टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर आपका जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है वो ये काम इतना आराम से नहीं कर सकता. दूसरा कैप्चा होता है वो इमेजेस आ जाते हैं, आपने बताना होता है इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल कि फ्लावर कौन सा है, तो कंप्यूटर के लिए फ्लावर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इंसानों के लिए नहीं है. ठीक है, तो कैप्चा से ये होता है कि कंप्यूटर आपका जो सर्वर होता है उसे पता लग जाता है कि ये रिक्वेस्ट किसी बॉट से आ रही है कि किसी इंसान से आ रही है, और अगर इंसान से आ रही है तो वो सर्व कर देगा. क्यों? क्योंकि इंसान जो है अटैक कर भी रहा है तो कितनी स्पीड पे कर लेगा. आप ऑटोमेटेड प्रोग्राम लिखें जो कि 1,00,000 दफा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे, वो पॉसिबल है, पर आप अपने हाथ से 1,00,000 दफा ब्राउजर में URL डाल के एंटर दबा सकते हैं? आप 1,00,000 दफा उंगली से एंटर दबाएंगे तो आपका तो हाथ ही रह जाएगा, उसमें टाइम भी बड़ा ज्यादा लगेगा. तो इस तरह से इन अटैक्स इन कैप्चर्स की वजह से आप बेसिकली कहते हैं कि ठीक है अगर अटैक करना भी है तो फिर इंसान खुद करे, क्योंकि इंसान जो है वो एक सर्टन स्पीड पे ही कुछ काम कर सकते हैं ना, तो वो स्पीड यूजुअली कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ही स्लो होती है. हाँ, मकसद ये है कैप्चर का कि ऑटोमेटिक कोई अटैक हो रहा है उस चीज़ को रोका जा सके, क्योंकि ऑटोमेटिक अटैक बहुत फास्ट किया जा सकता है. यानी मैं एक फॉर लूप लिखूँ जो कि 1,000,000 टाइम रन कर रहा है, उसके अंदर मैं एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करूँ, तो वो सर्वर के लिए बहुत खतरनाक होगा. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल. ठीक है, ये भी खत्म हो गया. और डॉस अटैक्स में फिर कह दूँ कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अटैक होता है, इसकी आजकल इसकी वजह से काफ़ी जो है आपका मॉनिटरी नुकसान होता है, आपके सिस्टम का, आपकी सर्विस का नुकसान होता है, और डॉस अटैक जो है ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं है. यानी ठीक है सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, पर अभी ऐसे नहीं हुआ कि डॉस अटैक से आप बिल्कुल ही बच सकते हैं. और इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अमेज़न जैसी टॉप क्लास कंपनी जो है उस पर पिछले साल जो है 2 point something terabits पर सेकेंड का डॉस अटैक हुआ था. तो अगर अमेज़न नहीं बच सकता तो आम लोग जो हैं वो तो भी बहुत ही पीछे बैठे हुए. ठीक है, एनीवेज एनी क्वेश्चन क्लास सर? हाँ जी सर, फाइनल का सिलेबस मिड के बाद का होगा, बाद में बात कर लेंगे. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सवाल है? नो सर. ठीक है, जब फाइनल का अभी अनाउंस नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी जब करेगी वो उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में सिलेबस फर्क होता है, ऑन कैंपस एग्जाम में सिलेबस फर्क होता है, वो फिर बाद में देखेंगे. पर अभी जो है आप सारे लेक्चर वीडियोस और लेक्चर स्लाइड्स की तैयारी करें, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. ओके सर, वो पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके सर, ऑलराइट, परफेक्ट. एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.